तेरे रोज रोज के झूठे बर्तन मैं साफ करूंगी क्या? तेरा रोज का तमाशा हो चुका है ये। क्या हो गया, बर्तन ही तो साफ करने हैं, इतनी बड़ी बात तो नहीं होगी। हाँ तो काम चोर खुद ही कर लेना बर्तन साफ, अगर इतनी बड़ी बात नहीं है तो। मुझे इस घर में आया भी कुछ ही दिन हुए हैं और मैं काम शुरू कर दूँ? ऐसा बहुत दिन हो गए तुझे ये सब कहते कहते, अब कर सकती है तू ये काम? आप बड़ी हो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस घर में सिर्फ आपका राज चलेगा। बड़ी हूँ पर तू तो बड़ी की भी शर्म नहीं माननी, पूरे दिन कमरे में पड़ी रहती है। अरे आपको ये नहीं दिखता क्या कि ये छोटी है, इसको भी कुछ दिन खुशी खुशी रहने दूँ? अच्छा छोटी है तो काम नहीं करते क्या? सारा काम बड़ों को ही करना पड़ता है, तू खाती नहीं है क्या जो सारा काम का बोझ बड़ों को ही मिलता है? हाँ तो पड़े रहने दो बर्तन, मैं तो बिल्कुल साफ नहीं करूंगी। एक ये बात है, ये छोटी छोटी बात तो फिर लड़न लगी तुम हैं? ये चार बर्तन ना हुए देर से सफा? क्या मम्मी सारा काम मैं ही करूंगी क्या, वो नहीं कर सकती? उसमें थोड़ी बहुत शर्म है या नहीं? तू बड़ी है तन मन से समाई भी कर ला कर, वो तेर से छोटी है। अब तू ऐसे बहस करेगी छोटी छोटी बातों पे तो वो तेर से ज्यादा करेगी। मैं चुप नहीं रहूंगी, चुप तो उसे रहना चाहिए। और आप भी मुझे सुना रही हो, मैं नहीं करूंगी किसी के झूठन साफ, आप ही कर लो। ए मैं धो लूंगी इन बर्तनों को, पर तुम इस घर में लड़ाई मत करो। एक एक बर्तन के ऊपर जुद मचा रही हो। मीना बेटी तू यह लौट रही है हैं? तू अपने खा के बर्तन भी तू सफा ना करती, और वे बर्तन मैं धो के धरकाई हूँ। मैं कौन से छोटी हो गया घटगी तन मन से? बता ये बहू बेटी इनके अच्छे काम ना होते हैं कि खा के बर्तन छोड़ दो ना आके तू यहाँ लौट लगागी? मम्मी जी वो मुझसे बड़ी है, इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझे हमेशा सुनाती रहेंगी। मैं जब से इस घर में आई हूँ तब से ही रोक जमा रही है। ए बेटी तेर से बड़ी है, तेरी जिठानी है, तन मन से सहन शक्ति भी रखा कर अपने मन में। नूनाग भाई तूने एक बात कह दी तू मैड मार के यहाँ पड़ गई। आप उन्हें समझा दो कि मैं उनके रोज रोज के ऑर्डर नहीं मानूंगी। ए बेटी मैं तो उसे भी समझा कही हूँ, अरे मैं तो तुझे भी समझा रही हूँ, दो बात सुनने में तू घटना जावे। वो तो वो जिठानी है इसलिए मैं चुप रहती हूँ, वरना जिस दिन मुझे ज्यादा गुस्सा आ गया ना मैं उन्हें अच्छे से सुना दूंगी। दोनों को समझा रही हूँ, कोई से समझने को तैयार नहीं है। ये तो रोज की जड्डे मचाऊंगी, ये तो मोहल्ले पड़ोस में सुनेगा कोई नू कहेगा पता इनके बहू कैसी आ गई रोज लड़ रही है, ये तो मेरी बेइज्जती करवाऊंगी। बताओ अब तक सो रही है, उठ जा नू देख ले टाइम क्या हो रहा। तू यहाँ सोने के नाम की आई हुई है, घर का काम की तरह बाप करेगा? ऐसा है सुबह सुबह मेरे दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। और हाँ मेरे बाप पे क्यों जा रही है तू? हाँ तो बोल देना अपने बाप से दहेज में चार नौकर भेज देगा जब तेरे काम बस की नहीं है तो। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो मैं अपने बाप को कह भी दूंगी और वो भेज भी देंगे। हाँ हाँ पता है क्या भेजेगा तेरा बाप और क्या नहीं, चल अब जाके काम कर ले। आज तो तू मेरे बाप पे चली गई है लेकिन अगर आज के बाद ऐसा बोल दिया ना तो देख लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देख लूंगी तुझे, तू कैसे काम नहीं करेगी। मीना बेटी क्या बात है हा? ये कुछ हो भी गया बताओगी भी, गुब्बारे की तरह मुंह को फुला रही है। मम्मी जी मैंने आपसे पहले ही कहा था आप दीदी को समझा दो, सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब करने आ गई। ये मुझे तो सुनाई रही है और मेरे साथ मेरे घर वालों को भी सुना रही है, मेरे बाप तक पहुंच गई। पता नहीं मेरे पापा को क्या क्या बोल रही थी। भाई मैं तो तंगाली थारी दोनों की बात सुन सुन कर, और इतना कलेश कर रही है तुम जिसकी कुछ हद ना। मेरे बालक बाहर रहे हैं दिन रात कमा रहे हैं, वे थार पर घर का काम करते भी जोर पड़ा रहे हैं। उन्हें बताऊं तो क्या बताऊं, अगर हमारे घर का कलेश खत्म ना हो रहा थार तो शर्म रही ना। आपने इतनी छूट क्यों दे रखी है उन्हें? बेटी मैंने तो ना तुझे छूट दे रखी और ना उसे दे रखी, मैंने तो तुम खुली छोड़ रखी हो, मैं तो तुम्हारे बीच में बेकार की पिस रही हूँ। वो बड़ी है तो वो कुछ भी बोलेगी, वो मेरे पापा को कुछ भी बोल देगी। मम्मी जी मैं बता रही हूँ अगर आज के बाद उसने मेरे पापा के बारे में कुछ बोला ना तो मैं उसका मुंह नोच लूंगी। भाई हद होगी, घर बिगड़ने में भी देर नहीं लगती है। ये दो बहू मैं बताऊ उसे समझाऊ ना हूँ मानती, से समझाऊ ना यूं मानती, वो कह मैं तेर से तेज और यू कह मैं तेर से तेज। जन्म दुखी मारा हो गया इस घर में। अरे के काम है इस घर में, ऐसे काम तो मैं चलती फिरती कर दू जोर से काम पे रोज की रोज जड्डे मचाती रहे।
अरे वाह जी वाह, आज तो पूरा घर चमक जाएगा। लेकिन पूरे घर में झाड़ू लगा दी, मेरा कमरा क्यों छोड़ दिया? इतनी जल्दी भूल गई क्या? आपको याद नहीं है आपने उस दिन मेरे झूठे बर्तन छोड़ दिए थे? तो क्या हो गया, मम्मी जी ने तो साफ कर दिए थे ना वो बर्तन। ठीक है तो फिर मम्मी जी से जाके कह दो, वो ही आपके कमरे में झाड़ू लगा देंगी। चल जा मेरे कमरे में झाड़ू लगा दे जाके। मैं नहीं लगाने वाली। लगता है तेरे माँ बाप ने तुझे किसी भी चीज की तमीज नहीं सिखाई, किसी भी ढंग की नहीं है तू। ना तो तुझसे झाड़ू लगानी आती, ना तुझसे पोछा लगाना आता, और ना किसी से बात करनी आती। मम्मी, मम्मी जी, मम्मी जी, आज तो दीदी ने अपनी सारी हदें पार कर दी। ऐसा के हो गया नू तो बता। मम्मी जी आपने मुझे समझाया था तो मैंने सोचा शायद मेरी ही गलती होगी। आज मैं सुबह उठकर झाड़ू लगा रही थी और तभी वहाँ दीदी आ गई और उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया। झूठ तो तू बोल मत ना, इतनी पागल ना हो जो तेरे नू थप्पड़ मार देगी। कुछ ना कुछ तेरे क्या ही होगी जरूर उसे। मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा, उन्होंने ही मेरी मम्मी पापा को उल्टा सीधा बोला। तू मुझे सच्ची बता दे क्या बात हुई वहाँ? मैं घर की सफाई कर रही थी और मैंने उनके कमरे की सफाई नहीं की, उन्हें इसी बात का बहुत बुरा लगा। तो बेटी इसमें तो तेरी गलती है, तू अपनी गलती तो मानना कर। पर मम्मी उस दिन उन्होंने भी तो मेरे बर्तन साफ नहीं किए, तो उसमें मेरी भी तो गलती नहीं थी। ये उसने तो गलती सो करी पर तन्ने भी तो करी गलती। तन तो सारे काम करे कराए भी पानी फेर दिया, हाल तो तू काम करती ना। आज लगी भी झाड़ू मारना तो अपना बीच में छोड़ कर बगिया तन्ने कौन से तीर मार दिए। आप भी मुझे ही डांट लो, आप उन्हें कभी कुछ मत कहना, सारी गलती मेरी होती है, वो तो कभी कोई गलती करती नहीं है। अब एक काम करो, ये झाड़ू भी आप ही लगा लो। मैं तो कर लूंगी बेटी काम, तुम काम छोड़ सको, मैं थोड़ी छोड़ दूंगी घर का काम, मैं कर लूंगी। देखो पहले मैं कौन सी मर जाऊंगी काम करने में, तुम आराम से रहो, पर थार पर आराम से भी ना रहा जा रहा। नीरा बेटी ये उठ जा, कब तक सोवेगी, कुछ काम धाम भी कर ले करो। मम्मी मैं कितना काम करूं, सारे घर का काम मैं ही करती हूँ, उसे भी तो सोचना चाहिए कि वो थोड़ा बहुत काम करे जिससे कि मेरी मदद हो सके। तू बड़ी है नीरा बेटी, तुझे थोड़ा सा समझना पड़ेगा। हाँ मम्मी मैं मानती हूँ कि मैं बड़ी हूँ, पर मैं अपने हिस्से का काम कर लेती हूँ, वो तो एक काम को भी हाथ नहीं लगाती ना। भाई मैं तो तुम्हें दोनों को समझाती भाई थक ली। भाई मेरे से तो तुम जुड़वा दो हाथ, मुझे तो तुम बाबा करो माफ, जो थारा जी करा उसे कर लो। अच्छा मैं तो तुम्हें दोनों में होगी दुखी, तुम क्या बहू आई हो मेरे तो तुम बौकड़ आई हो, तुमने तो अंत कर ली बिल्कुल ही। काम वाम तो कुछ करती ना हो, तुम तो लड़ने में थकती ना हो। और बाकी मम्मी जी वहां से क्या देख रही हो, आओ ना। मीना बेटी एक बात बताऊं मैं तुझे? हाँ तो मम्मी जी बोलिए ना। देख नीरा तेरे से बड़ी है और रोटी और कपड़ा बर्तन सारा काम करे हो, है तू एक काम नहीं करती, और सच्ची बुझे ना तो तू सबसे ज्यादा निकम्मी है। जी मम्मी। थोड़े से दिन की बात है, मेरे दोनों बेटा का कंपनी में अच्छा काम चल जान दो, फिर तू अपने की गैल राजी राजी रह ली और वो अपने की गैल रह लेगी। फिर मम्मी जी आप कहाँ रहेंगी? ये तुम मेरी टेंशन मत ले हो, तू भी अपने राजी रह और वो भी खुशी से रहो, हैं? मैं ना छोड़ दूँ इस घर को, मेरी टेंशन लेने की जरूरत ना तुम। मम्मी जी पूरा एडजस्ट करती हूँ, उन्हें भी तो सोचना चाहिए। भाई हद कर रखे मीना बेटी तुमने, हम गिने चुने तीन है इस घर में, अरे ये तीन का काम तुम पे भारी पड़ रहा है। ये आड़ पड़ोस की भी सुने, ये भी नु सोचे भाई इनके घर में जन के गुजारा है। तुमने तो मेरे घर का झल्लू से निकाल रखा, इतनी बंद कहीं ना काट रही जितनी तुमने काट रखी। तू गलत काम करेगी तो सब तेरे घर वालों को ही कहेंगे, सही काम कर कोई भी ना कहे तेरे घर के इनको। भाई मन्ने तो तुम समझा दियो जैसे थारा जी करा वैसा कर दो। इस घर में तो मेरा जीना हराम हो गया, इससे अच्छा तो मैं अपने घर ही चली जाती हूँ। Thank you.
ये मीना बेटी कहाँ जा रही बैग को उठा के? अरे कुछ हो भी गया, मुझे कुछ बताएगी भी? अरे यू क्या बताओगे, मैं बताऊंगी। मैं तो सच्ची बुझ जाए बतानी ना चाह रही इनकी बात। इन्होंने तो रात दिन का कलेश मचा रखा घर में। क्या कह रही माँ, मीना कुछ बताती क्यों ना तू? देवर जी आपको ये क्या बताएगी, मैं बताती हूँ। मीना ने आज सुबह सुबह मेरे ऊपर हाथ उठाया। मीना क्या क्या है तुमने अपनों से बड़े पर हाथ उठा दिया? चलो भाभी से माफी मांगो। दीदी मुझे माफ कर दो, मेरी गलती थी, मैंने छोटी होकर आप पे हाथ उठाया। मीना कोई बात नहीं, बड़ों का तो काम ही होता है छोटों को माफ करना, और वैसे भी मैंने तो तुझे पहले ही माफ कर दिया था तेरी नादानी समझ कर। माँ जी आप भी मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद मैं कोई गलती का मौका नहीं दूंगी आपको, और दीदी के साथ सारा काम करूंगी।